गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास सिक्स, क्लास सेवन, क्लास एट। तेज बच्चे सोच रहे होंगे सर यही सब चीजें बता रहे हैं बार बार। हाँ बेटा, जरूर बता रहा हूं, लेकिन आप बोर मत होइए। तेज बच्चों की बात मैं कर रहा हूं, बोर मत होइए, आगे आपका लेवल बढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट, लिस्ट काउंट मल्टीपल LCM, लघुत्तम समापवर्त्य। इसको बेटा हम तीन मेथड से देखेंगे, तेज बच्चे भी शायद यह मेथड नहीं जानते हों, लेकिन तीन मेथड देखेंगे। पहला है डिवीजन मेथड, दूसरा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, चौथा है मल्टीपल मेथड। अब हम एक एग्जांपल लेंगे, उसको तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। लेता हूं तो फाइंड द एलसीएम ऑफ, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, फाइंड LCM of, पहला छोटा छोटा लेता हूं 4, 6, 8, दूसरा लेता हूं 8, 6, 12, दो लेता हूं बेटा, दो एग्जाम्पल लेता हूं, दोनों का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे डिवीजन मेथड, यहां पर पहला डिवीजन मेथड क्या है, ये आप लोग बखूबी जानते हैं क्योंकि क्लास फाइव में भी, कक्षा पांच में भी एलसीएम पढ़ाया गया था, छह में, सात आठ वाले तो भाई महापंडित हैं। जिसे हमने कहा लिखा डिवीजन मेथड में है 4, 4, 6, 8 है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बताए थे, पहले देखेंगे कि 2 से 1 से तो सब कट जाएंगे, 2 के टेबल में कोई आ रहा है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि सब के सब 2 के टेबल में आए, 4 भी आए, 6 भी आए, 8 भी आए, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी एक 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 से उसको डिवाइड करेंगे हम। जैसे 2 ले लिया, 4 को 2 से डिवाइड किया, 4 को 2 से डिवाइड किया, 2 जा 4, यहाँ 2 आ गया। फिर 6 को 2 से डिवाइड किया, 2, 3 जा 6, 3 जा आ गया। इसी तरह से 2, 4 जा। फिर लेता हूँ, देखो कि 2 से फिर कोई डिविजुअल है कि नहीं, एनी नंबर इज डिविजुअल बाई 2 और नॉट, तो यहाँ 2 है, 4 है, 3 नहीं है, नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको। फिर से 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 जा आ जाएगा, और 2, 3 से डिवाइड होगा नहीं, होगा लेकिन परफेक्ट डिवीजन नहीं होगा, पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। तो 3 को ऐसे उतार लाएंगे यहाँ पर, फिर 2, 2 जा 4, फिर देखते हैं अभी ये 2 से कटेगा, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 1 जा आ गया, 1 को तो डिवाइड होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, डेसिमल में आएगा, 1 उतार लाएंगे, लास्ट में 1, 1 लाना है हमको, 3 भी डिवाइड नहीं होगा, इसको उतार लाए, 2, 1 जा 2। आप देखिए अब केवल ये 3 से ही डिवाइड होगा, 3, 1 से डिवाइड हो या खुद से, तो 1 से तो डिवाइड करना नहीं हमको, 3 से 1 उतर आएगा, 3, 1 या 3, 1, 1। तो LCM क्या हो जाएगा आपका, LCM इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 × 4 × 8 = 24। LCM कितना आ गया आपका,
24 आ गया, एलसीएम आ गया 24। ये हुआ आपका डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड हुआ? ये डिवीजन मेथड हुआ। अब आप देखिए क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, पहले लिखेंगे 4 इज इक्वल टू, फिर 6 इज इक्वल टू, फिर 8 इज इक्वल टू। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए 4 का फैक्टराइजेशन करिए, 1 × 2 × 2। अगर ऐसे नहीं आता है तो 4 को ऐसे काट दीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 तो सब में रहता है। करिए इसको 1 × 2 × 3, 2 × 3 = 6। 8 को करिए 1 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8। चलिए आप क्या लेंगे, कॉमन, जो तीनों में कॉमन हो उसी को लेंगे हम। देखिए 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 ले लिए, 1 तो तीनों में है, हालांकि यहां 1 लिख दिया है, 1 लिखेंगे नहीं आगे से हम। देखिए 2 यहां है ठीक, अब यहां इसमें कॉमन तो है नहीं, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। अगर 2 में कॉमन है तो 2 में लेंगे, तीनों में कॉमन है तो तीनों में लेंगे। यहां हो गया 2, अब 3 देखो बेचारा अकेला बचा है, उतार लाएंगे 3, एक भी 2 अकेला बचा है, उतार लाएंगे 2। ये एलसीएम बराबर हो गया, ये बराबर 1 × 2, 2 × 4, 3 × 12, 2 × 24 आ गए। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम ब्लैक बोर्ड को मिटाएंगे या नहीं भी मिटाएंगे, पहले नोट कर लें इसको। अब हम देखते हैं मल्टीपल मेथड, मल्टीपल मेथड, मल्टीपल गुड़ज, गुड़ज मीन्स पहाड़ा, टेबल। अब आप टेबल पढ़ेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे, दोनों का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक तीनों में एक संख्या न आ जाए। चलिए जानते हैं 4 × 6 = 24, 6 × 4 = 24, 8 × 3 = 24। पढ़िए 4 × 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, 4 × 9 = 36। यानि ये दीजिए, यहीं तक काम बन जाएगा हमारा। वैसे ये सब सवाल छोटे नंबर्स के लिए होते हैं, बड़े नंबर्स का मल्टीपल निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। ये सब जो मल्टीपल मेथड है ये छोटे छोटे नंबर्स के लिए है, बड़े नंबर्स के लिए करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पढ़ा नहीं पढ़ पाएंगे। चलिए 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 36, 6 × 6 = 36, 6 × 1 = 42। छोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40। छोड़ दीजिए, अब आप कॉमन ढूंढिए, 4 किसी में नहीं है, 8 किसी में नहीं है, 12 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, 16 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, 6 वाले टेबल में नहीं है, 20 केवल इसमें है, ना तो 6 वाले टेबल में है, ना तो 8 वाले टेबल में है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है, 24 यहाँ भी है। तो सबसे छोटा पहाड़ा, सबसे छोटा टेबल, सबसे छोटा मल्टीपल, बात एक ही हुई, सबसे छोटा पहाड़ा,
सबसे छोटा मल्टीपल, ठीक है, सबसे छोटा, सॉरी सबसे छोटा पहाड़ा, सबसे छोटा मल्टीपल, जो तीनों में होगा, जो तीनों में होगा वही क्या होगा, लीस्ट कॉमन। यहाँ काउंट लिखा है हमने ना, लीस्ट काउंट नहीं, लीस्ट कॉमन होगा सारी बेटा, लीस्ट कॉमन, सॉरी वेरी सॉरी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो वही लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा क्या 24, लीस्ट सबसे छोटा, कॉमन जो तीनों में हो, मल्टीपल गुणा लीस्ट सबसे छोटा, मल्टीपल गुणज पहाड़ा टेबल, ठीक है, लीस्ट कॉमन जो सबसे छोटा टेबल हो, सबसे छोटा गुणज हो, सबसे छोटा पहाड़ा हो, सब में वही क्या होता है, एलसीएम होता है। आप तीन मेथड देख लिए एक एग्जांपल के द्वारा, एक एग्जांपल लिया आपने, यहाँ डिवीजन मेथड से किया, फिर यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया, फिर यहाँ मल्टीपल मेथड से किया, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। तब तक ये वीडियो नोट कर लें, ये सारी जो लिखा है पढ़ा गया है नोट कर लें। चलिए एग्जांपल नंबर टू देखते हैं, 8, 6, 12 का। हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य। बेटा एक बात बताना चाहूँगा, बहुत बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ऐसा बोलते हैं। तो बेटा समापवर्तक गलत शब्द है, लघुत्तम समापवर्त्य है ये, लघुत्तम समापवर्तक नहीं बोलना चाहिए, ये लघुत्तम समापवर्त्य है, वर्त्य लिखा गया है। आप कभी भूल से भी लघुत्तम समापवर्तक मत कहिएगा। चलिए अब 8, 6, 12 का पहले डिवीजन मेथड देखते हैं, डिवीजन मेथड भाग विधि। चलिए बताया था सबसे पहले देखिए, 2 से कोई कटता है क्या, 2 से सब कट जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 1, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से देखते हैं, देखिए ये भी आएगा टेबल में, 2 के टेबल में 6 भी आएगा, 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 3 नहीं आएगा, 3 को उतार लाएंगे, जो टेबल में आए उसे उतार लाइए, फिर 2 3 जा 6। चलिए अब देखिए 2 के टेबल क्यों लिए आएगा, ये नहीं आएगा, आएगा तभी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 नहीं आया कोई बात नहीं है उतार लाते हैं, 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, अब 3 के टेबल में जो आएगा ना, चलो 3 1 3 1 जा 1 3 1 जा 1, जब 1 1 आया तो छोड़ दीजिए, 1 1 आए तो छोड़ दीजिए, तो एलसीएम क्या हुआ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हुआ, इसी का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24, बाप रे बाप, बाप रे बाप। इसीलिए कह रहा हूँ कि पहला भी एग्जाम्पल लिया था उसका भी एलसीएम 24 आया, दूसरे का भी 24 आ गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, नहीं तो ऐसा ना होता। चलिए उससे क्या होता है, मेथड तो जान रहे हैं ना, संख्याएं तो अलग है ना। चलिए अब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, जैसे ये किए, यहाँ 3 का किए, अब अलग अलग करेंगे, जैसे है 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आप नहीं आ रहा है ऐसे कर लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 into 2 into 2 आ गया। चलिए भाई हो गया, अब किसका लेते हैं, 6 का, 6 का, तो 6 का भी ले लीजिए, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, मतलब 2 into 3 12, 12 का लेते हैं, 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है
अगर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, 2 6 12 2 3 6 3 1 3, तो 2 × 2 × 3 हो गया। चलिए एलसीएम क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। साइंस का आदमी हूँ भाई, कंफ्यूज हो जाता हूँ। लिस्ट काउंट अल्पतमांक होता है, वो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, मैंने लिस्ट काउंट कर दिया, ध्यान नहीं दिया, वेरी वेरी सॉरी, हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन बेटा होता क्या ना, वीडियो के सामने कैमरे के सामने आने पर थोड़ा सा उलझन होती है, उसी उलझन में मैं बोल गया। देखो कॉमन ढूंढेंगे, चाहे तीन में हो चाहे दो में हो, चाहे सब में हो चाहे किसी दो में हो, कॉमन लेंगे हम। यहाँ दो इसमें है, इसमें है, इसमें है, आप भी निशान लगाते जाइए, दो हो गया। फिर देखिए दो यहाँ पर है, यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ पर है, फिर दो आ गया। फिर देखो दो यहाँ पर है, बाकी किसी में नहीं है, बाकी तो हो चुके हैं ना, दो आ गया। तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, तीन आ गया। कितना आएगा, 2 × 2 = 4 × 8 = 24, ठीक है, समझ में आया। अब मल्टीपल में हमने बताया था कि टेबल पढ़ना है आपको, टेबल पहाड़ा टेबल। चलिए आज पहाड़ा पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि लीस्ट कॉमन जो सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटा हो और सब में हो, जो मल्टीपल का लीस्ट सबसे छोटा कॉमन सब में हो, मल्टीपल बुलेट पहाड़ा, जो पहाड़ा पढ़ने पर जो आए वो सब में हो और सबसे छोटा हो। पढ़ता हूँ, 8 × 1 = 8 8 × 2 = 16 8 × 3 = 24 8 × 4 = 32, ठीक है, जानते हो कि 24 आ गया, कोई जरूरत नहीं है फिलहाल। 8 × 5 = 40 छोड़ दिया, कभी कभी तो केंजा के आगे भी पढ़ना पड़ता है, केंजा के आगे। 6 × 6 = 6 6 × 12 6 3 = 18 6 4 = 24 6 5 = 30 6 6 = 36 छोड़ दिए, 24 आ गया। 8 × 8 8 8 2 = 16 8 3 = 24 8 5 = 40 8 6 = 48 छोड़ दिए, जान दीजिए छोटा सा छोटा पहाड़ा जो इसमें ये लिखे गए हैं, यहाँ पर इसमें जो सबसे छोटा हो, जो पूरा लिखा गया है, इन तीनों में जो सबसे छोटा हो और तीनों में हो, देखो 8 2 में है इसमें नहीं है, 16 इसमें तो है ही नहीं, इसमें है इसमें नहीं है, 24 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 24 हो गया एलसीएम, क्योंकि सबसे छोटा हमको चुनना था, सबसे छोटा पा गए, अब बड़े की कोई जरूरत नहीं है, तो हमारा लिस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ क्या, 24। फिर अगले वीडियो में फिर हम एग्जाम्पल लेंगे फिर बताएंगे, 4-6 बता दें जिससे आपको आता रहे। हाँ बेटा एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, इसके बाद मेरी वीडियो ही समाप्त करता हूँ कुछ होमवर्क दे करके। अब आया है फाइंड द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18, 24 and 12। चलिए यहाँ पर डिवीजन मेथड देखते हैं, देखो 2 से कटेगा, 2 9 18 2 12 14 2 36 72 को 2 से डिवाइड कर दो तो 36 आएगा, 36 हो गया। 2 टेबल में 9 नहीं आएगा, 2 6 2 18 फिर 2 की टेबल में 9 तो नहीं आएगा, उतार लाएंगे, 2 3 2 3 6 2 9 18। अब देखो 3 के टेबल में आएगा, 3 3 9 3 1 3 3 3
नाइन। आप चलिए फिर थ्री से, थ्री वन या थ्री वन का रहेगा, थ्री वन या थ्री। अब एलसीएम क्या होगा, इसी का मल्टीपल, टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री, दैट्स व्हाट क्या होगा, दो दूनी चार दूनी आठ, थ्री चौबीस दिया बहत्तर। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यह है 18 है, यह है आपका 24 है, ये आपका है 12 है। चलिए 12 का तो कई बार कर चुके, 2 2 जा 4 2 3 जा 12, 24 का नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है जान लीजिए नहीं आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट बताया गया आपको, डिविजिबिलिटी टेस्ट, लास्ट 4 है तो 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अब तो आराम हो गया, 2 6 जा 12 2 3 जा 3 1 जा, यानी हो गया ये क्या, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, फिर इसका हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 12, सब प्राइम नंबर्स हैं। देखो 4 से मत काटना, 6 से मत काटना, प्राइम नंबर से काटना, जो कि सी से न कटे, रूढ़ संख्या से, रूढ़ संख्या से काटना है। चलो भाई एलसीएम, 2 2 2 2 आ गया, फिर 2 2 2 गुणे 2 आ गया, अब बचा क्या, 3 3 3 गुणे 3 आ गया, अरे बेचारा बच गया, इसको भी उतार रहा हूँ, 2 2 4 चार यही 12, गलत आ रहा है, 2 2 4 गलत, 18 था ना, दो तिहाई 6 3 18 होता है। चलो तो बेटा 2 2 2 2 हो गया गुड़े 3 और 3 हो गया, 3 हो गया, फिर 2 और 2 हो गया, 2 हो गया, फिर इसमें 3 और 3 दो में कॉमन है, 3 हो गया, अब बेचारा 2 अलग से बच गया, 2 2 3 6 2 12 3 36 2 72 क्या आ गया, 72 आ गया, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया, 72। अब चलिए टेबल पढ़ते हैं, क्या टेबल, अठारह का है, जब जान रहे हो कि 72 इसका एलसीएम है, 72 तक पहाड़ा पढ़ो या उसके आगे एक अंक तक जाओ, क्योंकि जब तीनों मेथड से लगा रहे हैं तो उत्तर तो पहले से ही पता है, जब उत्तर न पता होता तो पहाड़ा पढ़ते, पहले टेंजा तक तो जाते ही, टेंजा तक ढूंढते न पाते तो फिर 11 जा 12 जा 13 जा ऐसे जाते हम, तो ये तो थोड़ा सा हमने कहा कि छोटी संख्याओं के लिए है तो सबके लिए, लेकिन बड़ी संख्याओं के लिए ये मुश्किल पैदा करता है। चलो 18 1 जा 18 18 2 जा 36 18 4 जा 18 3 जा 54 18 4 जा 72 18 5 जा 90 छोड़ देता हूँ, 72 मिल गया हमको। चलो 24 24 का 24 1 जा 24 24 2 जा 48 24 3 जा 72 मिल गया, 4 जा 96 छोड़ दिया, फिर 36 है आपका, नहीं 12 है, 12 का टेबल तो बहुत आसान है, 12 1 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36 12 4 जा 48 12 5 जा
सिक्सटी, ट्वेल्व सिक्स जा सेवेंटी टू, ट्वेल्व एट जा ट्वेल्व सेवन जा ट्वेल्व सिक्स सेवेंटी टू, ट्वेल्व सेवन जा एट्टी फोर। चलिए मिल गया सेवेंटी टू। चलो क्या हो गया आपका, जो सब में हो और सबसे छोटा हो, अट्ठारह इसमें है इन दोनों में नहीं है, छत्तीस इसमें है इसमें है लेकिन चौबीस वाले पहाड़े में नहीं है, चौवन इसमें है ठीक है दोनों के पहाड़े में चौवन नहीं है, सेवेंटी टू, सेवेंटी टू इसमें है, सेवेंटी टू इसमें है, सेवेंटी टू इसमें है, एलसीएम कितना हो गया सेवेंटी टू। नोट कर लीजिए, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ उसका उत्तर लिखूंगा, आप खुद प्रैक्टिस करिए। तो बेटा ये आपको पांच क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए हैं, आप खुद प्रैक्टिस करिए, तीनों मेथड से, तीनों मेथड से प्रैक्टिस करिएगा, आंसर सबका लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच, फिर अगले वीडियो मिलेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा।